सो आज मैं आपके लिए लेके आऊं महिंद्रा स्कॉर्पियो एस मॉडल बेस वेरिएंट, जो अभी क्या होता है क्लासिक के अंदर दो ही मॉडल बचे हैं, या तो आप एस ले लीजिए या एस नहीं लेते हैं तो फिर आप एस 11 ले लीजिए। जो एस है वो पड़ती है आपके समथिंग 1264, एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है इसका एस 11 वो पड़ता है करीब आपके 1650 के अराउंड कुछ रहता है। ये एक्सोरूम प्राइस है, एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बेस मॉडल में क्या क्या चीजें हैं एंड टॉप एंड वेरिएंट के अंदर क्या चीजें अलग से आती है। सो ये सब चीजों पे बात रहेगी, कितने की हमें ऑन रोड पड़ रही है जैसे मैंने बताया आपको, एंड क्या मुझे इंटीरियर के अंदर कुछ नया मिलता है, क्या क्या बेस मॉडल में सच में कुछ भी नहीं मिलता या फिर कुछ चीजें मिलती है बेस मॉडल में, ये सारी चीजें रहेगी इस वाले वीडियो में। एंड वीडियो में अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मैं बताता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है स्कॉर्पियो से रिलेटेड एंड किस कंपेरिजन में मैं इसको कर सकता हूँ कि इस कंपेरिजन में ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी उस गाड़ी के बदले। तो आज फाइनली हमारे सामने आ चुकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, एंड फ्रंट से आप स्कॉर्पियो का लुक देखेंगे, ये है स्कॉर्पियो एस मॉडल। इसमें दो ही क्लासिक में मॉडल बचे हैं, या तो एस या फिर एस 11। एस की बात करूं प्राइस की तो वो पड़ती है आपके समथिंग 1264 एक्सोरूम प्राइस, एंड मैं बात करूं टॉप एंड वेरिएंट की तो वो पड़ता है आपके 1650 के अराउंड कुछ पड़ता है आपके एक्सोरूम प्राइस। अगर आप फ्रंट की लुक की बात करें तो क्लासिक वो ही है पहले जैसी, कुछ चीज़ें चेंज करी गई है, जैसे कि फ्रंट में आपको ये जो महिंद्रा का मोनोग्राम है वो चेंज मिलेगा इस बार, थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस गाड़ी को प्रीमियम बना रहा है। एंड बात करूँ मैं फ्रंट से तो थोड़ा बहुत बम्पर में हल्का फुल्का चेंज मिलेगा, फ्रंट की ग्रिल चेंज मिलेगी आपको यहाँ पे, एंड थोड़ा सा मैं एक बार लाइट कर दूँ आपके लिए यहाँ पे हल्की सी, ठीक है। एंड लाइट की बात करूँ लाइट वो पहले जैसी है, बम्पर में चेंज है, आगे की ग्रिल चेंज मिलेगी आपको इस बार। जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको खाली हेडलैम्प बल्ब मिलेंगे, नॉर्मल वाले हैलोजन बल्ब मिलते हैं, एंड यहाँ कोई भी रिफ्लेक्टर या फॉग लैंप बल्ब आपको अवेलेबल नहीं होगा। ऑप्शन जरूर मिल जाता है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या फिर कंपनी की एसेसरीज परचेज करके उसमें भी आप लगवा सकते हैं। एंड फ्रंट के नीचे की तरफ बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए साइड में जो मड फ्लिप टाइप के आगे की दे रखे हैं, वो भी अच्छी बात है कि फ्रंट बम्पर में आपको फ्रंट में भी मिल जाते हैं ये मड फ्लिप। एंड बात करूँ मैं हेडलैम्प की तो आपका गया लो बीम हाई बीम, एंड ये आपकी क्रोम दे रखी है जो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छी लग रही है, साइड इंडिकेटर, ठीक है। एंड फ्रंट की ग्रिल देखेंगे तो ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर क्रोम बोल सकता हूँ या ब्लैक कलर का प्लास्टिक नॉर्मली बोल सकता हूँ, एंड काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। बेस मॉडल ब्लैक कलर की बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट एंड मस्कुलर लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक मिल जाती है इंजन को, जब हीटिंग के लिए एयर चाहिए होती है मतलब कूलिंग के लिए, तो वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मली लुक को भी डिसेंट बनाता है, मस्कुलर बनाता है। एक आपका वाइपर का नोजल एक ही मिलता है, दो वाइपर्स आपको मिल जाती है यहाँ पे, जो नॉर्मल साइज़ की बात करूँ तो ठीक है इनके साइज़ ज़्यादा। इसके अलावा फ्रंट का विंडशील्ड जो बात करूँ तो काफ़ी अच्छा व्यू है इसके अंदर। साइड की मिरर्स की बात करूँ तो वही साइड मिरर्स मिलेंगे आपको, ये मैनुअली आपको इसको सेटिंग करनी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं है बेस मॉडल में। साइड का आपका इंडिकेटर, एंड इस साइड में लुक की बात करूँ तो आपको यहाँ पे नॉर्मल रिम मिलेगी, अलॉय व्हील नहीं प्रोवाइड होते, ब्रिजस्टोन के टायर हैं। एंड इसकी टायर के साइज की बात करूँ तो ये आपको R17 के साइज मिलेंगे आपको, इसमें भी R18 के साइज मिल जाएगी, बट अभी ये 17 इंच के टायर हैं। एंड इस साइड से लुक की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी लग रही है, आप आफ्टर मार्केट ले सकते हैं इसके साइड का फुटरेस्ट, जो थोड़ा इसको अच्छा मस्कुलर लुक प्रोवाइड करेगा। बेस मॉडल में आप देखेंगे तो आपको रिम मिलेगी, एंड रिम भी मुझे इतनी कुछ ख़राब नहीं लग रही, आप इसके व्हील कैप लगा सकते हैं या फिर कंपनी से परचेज करके अलॉय व्हील भी यहाँ लगवा सकते हैं। ये नया वाला लोगो 4 बोल्ट के साथ ये जो रिम है ये रहती है यहाँ पे, मड फ्लिप आपको मिलेंगे बेस मॉडल में, साइड में यहाँ पे आपको लगवाना पड़ेगा फुटरेस्ट। ये डिज़ाइन सेम पहले से ही है, एंड साइड का आपका इंडिकेटर, जो ये सपोर्ट मिलता ना ये क्लाइडिंग साइड की, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे ये थोड़ा चेंजेस किया गया है स्कॉर्पियो एन में, ये थोड़ा ग्लोसी ब्लैक है स्कॉर्पियो की बेसिंग। एंड साइड की जो हैंडल की बात करें तो नॉर्मल हैंडल मिलेंगे, क्रोम नहीं मिलता है यहाँ पे, आप आफ्टर मार्केट क्रोम में यहाँ लगवा सकते हैं, साइड में यहाँ पे भी क्रोम लगवा सकते हैं, बट मुझे ये वाला डोर हैंडल क्रोम फिर भी ठीक लगते हैं, तो साइड के डोर हैंडल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको अवेलेबल हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। रियर लुक की बात करूँ, रियर प्रोफाइल लुक, तो ऊपर मिलता है आपको स्टॉप लैंप, कॉल सेंटर नंबर, पीछे डिफोगर, बेस मॉडल में आपको डिफोगर का यूज़ नहीं किया गया है, हल्की हल्की डिज़ाइन आपको यूज़ की गई है यहाँ पे, नया वाला लोगो, नंबर प्लेट लाइट, यहाँ नंबर प्लेट लगा सकते हैं आप। साइड की बात करूँ तो ये आपको वही चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, यहाँ आपको LED मिलेगी, ऊपर ओनली रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ आपको लाइट का आपको प्रोवाइड हो जाती है, महिंद्रा स्कॉर्पियो की बेजिंग यहाँ मिल जाती है आपको। एंड यहाँ लिखा हुआ है स्कॉर्पियो क्लासिक एस मॉडल माइक्रो हाइब्रिड, एंड दूर से लुक दिखाता हूँ तो पीछे से आपको बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं लगेगा, इसको भी हटा के आप एस 11 की बेजिंग लगा सकते हैं, एंड इसको भी आप सही कर सकते हैं,
बात करूँ मैं इस साइड की, तो फ्यूल टैंक कैप आपका यहाँ मिलेगा, आप अंदर से इसको ओपन कर सकते हैं, महिंद्रा थार की तरह नहीं कि आपको मैनुअली ओपन करना पड़े, अंदर से बटन से इसको ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पे इंजन जो जिस ब्रांड का इंजन है उसकी ब्रांडिंग यहाँ दे रखी है, मैनुअली आपके साइड में जैसे मैंने बताया आपको। इंजन बात करूँ तो 2.2 इंजन जो इसमें मिलेगा, हालांकि पहले वाला इंजन नहीं है, महिंद्रा थार वाला सेम इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। एंड गाड़ी का ओवरऑल एक वॉक अराउंड दिखा दूँ तो गाड़ी दिखने में काफ़ी मस्कुलर लगेगी आपको। ये है आपकी स्कॉर्पियो एस। एंड चलते हैं अपन अंदर की तरफ कि अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर। ऊपर की बात करूँ तो रूफ़ की, तो वहाँ आपको एंटीनी का स्पेस वहाँ मिल जाता है। एंड अब चलते हैं अंदर की तरफ कि अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, डोर को लॉक करते हैं। डोर के यहाँ पे कोई भी आपको बटन यूज़ नहीं किए गए, मैन्युअली आपको यहाँ पे मिरर सेट करने पड़ेंगे। डोर ओपन करने का हैंडल आपको मिलेगा, एक आपका यहाँ पे डोर क्लोज करने का हैंडल, बीच कलर ब्लैक कलर के साथ आपको ये स्कॉर्पियो मिलती है अंदर की साइड में। गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेयरिंग पे कि स्टेयरिंग के अंदर क्या मिल जाता है आपको, क्या नहीं मिलता है। सो कुछ भी आपको माउंटिंग कंट्रोल यहाँ नहीं मिलेंगे, बेस मॉडल है, टॉप मॉडल में मिलते हैं, बेस मॉडल में कुछ भी नहीं मिलेगा। महिंद्रा का नया वाला लोगो, हॉर्न डिसेंट्स है, ड्यूल हॉर्न मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है इतना भी, बट ठीक है, मुझे स्टीयरिंग कवर लगाने की नीड नहीं लग रही है यहाँ पे। म्यूजिक सिस्टम का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, बड़ा टच स्क्रीन है, छोटा वाला म्यूजिक सिस्टम आप लगा सकते हैं। एसी वेंट्स आपके जिनकी क्वालिटी की बात करो तो अच्छी है। डिफोगर आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड स्कॉर्पियो क्रोम में बेजिंग वहाँ मिल जाती है, मैनुअली आप सेट कर सकते हैं। छोटा सा ग्लो बॉक्स है, हालांकि महिंद्रा थार से बड़ा है। कूलिंग का फीचर नहीं मिलता, कोई भी लाइट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आफ्टर मार्केट आप सनग्लास होल्डर वगैरह या लाइट लगा सकते हैं। इसकी बात करूँ मैं सनवाइज़र की, तो ये भी आपका एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स अपनी जगह। वैनिटी मिरर मिलेगा बट वैनिटी लाइट यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी वैनिटी मिरर है, वैनिटी लाइट दोनों मिसिंग है। ये फिर भी आपका मैनुअली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक नहीं है, बट ये वाला ऑप्शन दिया गया है फिर भी ठीक है। एंड एंटीना का ऑप्शन ऊपर है। साइड के ग्रैप हैंडल की बात करूँ तो ये मैनुअली है, एडजस्टेबल नहीं है। सीट बेल्ट आपको यहाँ मिल जाएगी एंड इसमें फाइव सीटर एंड सेवन सीटर का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाता है इसके अंदर। एंड सॉरी सिक्स सीटर एंड सेवन सीटर का भी ऑप्शंस अवेलेबल होता है, दो पीछे सीट देख सकते हैं यहाँ आराम से। मैं भी नागू हूँ, चार जन आराम से बैठ सकते हैं, बट कंफर्टेबली बात करूँ तो तीन जने आराम से बैठ सकते हैं। ये एडजस्टेबल है। हेडरेस्ट की बात करूँ वैसे ही पीछे के ये एक टूल मिलेगा, एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, कुछ बुक्स वगैरह हैं इसकी मैनुअली जो कोई नहीं पढ़ता। सीट बेल्ट आप लगाना अनिवार्य है, अब तो चारों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें क्लस्टर मीटर की। सो क्लस्टर मीटर आपको कुछ दिखने में ऐसा मिलेगा, पहले वाली स्कॉर्पियो से इंस्पायर ही है। नीचे सेट मोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर। बीच की बात करूँ तो साइड में देख लीजिए आपका इसका जो आरपीएम की स्पीड है या फिर आरपीएम इंजन का आरपीएम कितना चल रहा है, 2 पॉइंट। इस साइड में लो फ्यूल दिखा रहा है, अभी इसमें फ्यूल बहुत कम है। एंड ऊपर की बात करूँ तो ये आपका इलेक्ट्रिक रह गया, यहाँ से आप इसके एवरेज वगैरह ट्रिप ए ट्रिप बी एंड रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। ये वाले सारे ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है चेंजेस किया गया। ये साइड में आप देखेंगे तो स्टार्ट स्टॉप, ये यहाँ पे क्या होता है जैसे क्लच छोड़ते हैं आप ट्रैफिक एरिया में तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फ्यूल वगैरह यहाँ से खोल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से बटन को दबा के कैप खोल सकता हूँ, लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है। ये एसी वेंट्स को सेटिंग करने का है यहाँ पे। एंड बात करूँ मैं इसकी, सो ये एसी वेंट को एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली एंड हाई लो। ओके, तो यहाँ एसी का हाई लो कर सकते हैं हम, जिससे कम चाहिए इनसाइड वगैरह। एक आपको मिल जाता है यहाँ चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का, कुछ फ़ोन आप रख सकते हैं, इतना कुछ स्पेस है नहीं यहाँ पे। ये 6 गियर के साथ आती है, छठा आपका रिवर्स गियर है, यहाँ फ़ोन रख सकते हैं, वायरलेस चार्जर नहीं है। पावर विंडो स्विच के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको मिल रही है स्कॉर्पियो एस में, आपको पावर विंडो स्विच अवेलेबल होंगे। ये आपका हैंड ब्रेक, पीछे भी आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, एसी वेंट्स आपके हैं। फ्रंट में सीट की बात करूँ तो रैक्सिन है, अच्छी क्वालिटी है, बीच कलर का आपको पूरा कैबिन मिलता है इसका। इसमें ड्राइक्लीन की नीड पड़ेगी बट गाड़ी दिखने में बहुत डिसेंट एंड मस्कुलर लग रही है। मैं ही मानूँ तो मुझे बेस मॉडल सच में अच्छा लगा, मैं इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा सकूँ। काफ़ी कम प्राइस में आता है, 1264 का पड़ रहा है, मतलब ऑन रोड बात करूँ 13.5 का ऑन रोड पड़ जाएगा स्कॉर्पियो ब्लैक कलर। तो भाई और स्कॉर्पियो की बात ही कुछ अलग है। थोड़ा एसी करते हैं बंद एंड चलते हैं पीछे की तरफ कि पीछे हमें क्या मिल जाता है। सो मैं चलता हूँ अभी पीछे, गाड़ी का डोर करते हैं लॉक एंड हम आ चुके हैं पीछे। ओके, मैंने वो सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो इसको रख देते हैं पीछे की तरफ टूल को। ओहो माय गॉड, पीछे भी बड़ा है काफ़ी स्पेस है, हालांकि मैंने इसको थोड़ा पीछे ले रखा था आराम से, बट फिर भी मेरे पास लैग स्पेस काफ़ी अच्छा है।
एंड आपको एक छोटा सा मैगजीन होल्डर कुछ बोल सकता हूँ ये मिल जाता है, एडजस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट की बात करो तो ये आपको हैलोजन मिलेगी एक, एंड दो रूफ रूम लाइट आपको अवेलेबल हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। दो केन रख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, आफ्टर मार्केट से लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन। सीट की बात करूँ, थाई सपोर्ट तो अच्छा है, इतना अच्छा नहीं बोल सकता पर ठीक है, परफेक्ट। ये थोड़ा पीछे होना चाहिए था, ओके एक सेकंड मैं इसको ऊपर लेके देख लेता हूँ। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ठीक ठीक है, इतना स्पेस नहीं मिल रहा पीछे की सीट्स पे, सो कंफर्टेबल चाहिए तो दूसरी सीट आपको अवेलेबल लेनी पड़ेगी, या फिर पावर विंडो स्विच वैसे पता है आगे ही मिलेगा बीस मॉडल। आप कोई भी अगर जो गुटके खाने वाले लोग हैं वो इजीली आप खोल के गुटके नहीं थूक सकते, आपको आगे वाले को बोलना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। सीट्स आप पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी दोनों जो पीछे की रियर सीट है उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड अगर डिग्गी स्पेस आपको चाहिए, एंड आपका ब्रेक लाइट ऊपर मिलेगी उस साइड, ग्रैप हैंडल अच्छी बात है। पीछे का आप स्पेस देख सकते हैं एक बार, मैं पीछे बैठ के भी दिखा दूंगा या फिर पीछे का डिग्गी भी एक बार दिखा दूंगा। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर रियर में, एंड सीरियसली 12.5 लाख में गाड़ी बुरी नहीं है काफ़ी, मतलब एक तरह से बात करूँ तो 7 सीटर कार है ये अवेलेबल, और पीछे दो चार आठ जने तो यहीं बैठ गए अगर मैं बात करूँ बैठने की, वैसे तो मैं एक एक जने बिठा सकते हैं अपन, बट वैसे दो जने पीछे बैठ सकते हैं, 4 जने यहाँ बैठ सकते हैं, एक वहाँ, दस जने आराम से इस गाड़ी में अंदर बैठ सकते हैं। सो एक बार मैं रियर में भी दिखाता हूँ गाड़ी रियर से कैसी है, मतलब अंदर की साइड से डिग्गी वगैरह एक बार दिखा। स्कॉर्पियो की अगर डिग्गी की बात करूँ स्पेस की, तो आपको इतनी स्पेस मिल जाएगी अगर सीट आप फोल्ड नहीं करते हैं, अगर फोल्ड करते हैं तो आपको वापस इसको यहाँ से इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा, एंड आप सीधा इसको अनफोल्ड कर सकते हैं आराम से, 2 जने आपको यहाँ बैठ पाएंगे, इतना स्पेस है वैसे 2 जने की बोल सकता हूँ, तो 8 सीटर इस गाड़ी को मैं अब बोल सकता हूँ इस गाड़ी को, एंड सीरियसली काफ़ी अच्छी गाड़ी है। यहाँ एक ग्रैब हैंडल है जो आप पकड़ के इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं, एंड मैं बैठा हूँ स्कॉर्पियो अभी क्लासिक में, एंड सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड बात करूँ यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीकर्स के, ठीक है, तो इसमें आप डलवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, एंड काफ़ी अच्छे से व्यूज नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ बात करूँ तो आपको एक ओपन क्लोज करने का डोर का हैंडल मिल जाता है, सीट फोल्ड कर सकता, जैसे मैंने एक सीट पर बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, आराम से बैठ सकता हूँ मैं ऐसे। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, 12.5 लाख में बुरी नहीं है अगर आप लेने की सोच रहे हैं स्कॉर्पियो। इससे कंपेरिजन बात करूँ तो क्रेटा से थोड़ा कंपेयर कर सकता हूँ इसको उसके बेस मॉडल से, इसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि ये 250 गाड़ी है यार, सच में मुझे अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी अगर लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, 20 मॉडल उठाइए एंड टॉप मॉडल बना सकते हैं इजीली उसको। कंपनी के स्पीकर लगवा लो यार, कंपनी से बहुत स्पीकर बहुत सस्ते पड़ते हैं, मैं आफ्टर मार्केट की बात करूँ तो कंपनी के स्पीकर बहुत सस्ते पड़ते हैं, एंड गाड़ी ओवरऑल लुक काफ़ी डिसेंट एंड मस्कुलर है पहले वाले से, क्लासिक बंद नहीं करी क्योंकि दबदबा क्लासिक का है एंड का नहीं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी गाड़ी पर मुझे वीडियो बनाना तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस गाड़ी पर मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, एंड कुछ चीज़ पूछनी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।